हेलो एवरीवन। सो आज हम इस वीडियो में सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम इसके इंट्रोडक्शन को डील करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके स्टेप सिग्निफिकेंस और रेगुलेशन को हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन से। तो जो सिट्रिक एसिड साइकिल है उसे एल ए क्यू आता है। तो आपको तीनों नाम याद रखने हैं कि इसको टी सी ए साइकिल भी बोला जाता है और क्रेब्स साइकिल, इवन सिट्रिक एसिड साइकिल तो बोला ही जाता है। ठीक है, तो तीनों नाम याद रखना, अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब देखो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो जो सिट्रिक एसिड साइकिल है उसको टी सी ए साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, क्रेब्स साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए का फाइनल ऑक्सीडेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, प्लस सिट्रिक एसिड साइकिल जो है वो कनेक्ट करके रखता है या लिंक करके रखता है कैटाबॉलिक एनाबॉलिक पाथवे को, और अमाइनो एसिड न्यूक्लियोटाइड्स के सिंथेसिस के लिए ये प्रिकर्सर प्रोवाइड कराता है। और जो जितने भी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं ना इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, वो सारे के सारे एंजाइम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं, प्लस एक्सेप्ट वन एंजाइम दैट इज़ एस डी एस दैट इज़ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम। एक ही एंजाइम बाहर प्रेजेंट होता है, बाकी सारे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट बात ये है कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि एसिटाइल कोएंजाइम ए का फाइनल ऑक्सीडेशन तो हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, लेकिन जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो आता कहाँ से है, अब हम ये देखेंगे। तो जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो हमको मिलता है ग्लाइकोलिसिस से। तो ग्लाइकोलिसिस से जब में जब ग्लूकोज से पाइरूवेट का फॉर्मेशन होता है तो पाइरूवेट पे पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम जब एक्ट करता है तब फॉर्मेशन होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए का। सिमिलरली बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड से भी एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है, कीटोजेनिक अमाइनो एसिड से भी एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है। तो आपको अगर आप ये ना भी लिखो तो चलेगा, लेकिन आप याद रख लेना कि एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं हमको। तो अब हम ये तो देख लिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो साइकिल है वो एक्चुअल में होते कैसे हैं। इस वीडियो में हम इसके रफ़ आइडियाज़ को देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डीप में डील करेंगे विथ नोट्स। ठीक है, तो सबसे पहला देखो, जो चार कार्बन ऑफ ऑक्जेलो एसिटेट होता है वो कंडेंस होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ, तब जाके वो फॉर्मेशन होता है सिट्रिक एसिड का। ठीक है, सिट्रिक एसिड से फिर बनता है आइसोसिट्रेट का फॉर्मेशन होता है, फिर आइसोसिट्रेट से फॉर्मेशन होता है अल्फा कीटोग्लुटारेट का, फिर अल्फा कीटोग्लुटारेट से बनता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से फिर बनता है सक्सिनेट, फिर सक्सिनेट से फॉर्मेशन होता है फ्यूमरेट का, फिर फ्यूमरेट से बनता है मैलेट। ठीक है, मैलेट का फॉर्मेशन होता है, फिर ये जो मैलेट है फिर वो रीजनरेट होता है किसमें, ऑक्जेलो एसिटेट में। तो यहाँ से जब एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्जेलो एसिटेट के साथ कंडेंस होने के बाद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड देता है, फिर आइसोसिट्रेट देता है, फिर अल्फा कीटोग्लुटारेट देता है, फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए देता है, तो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब यहाँ पे सी ओ टू रिलीज़ हो रहा है। तो सबसे पहला जो कार्बन कंपाउंड है वो ऑक्जेलो सक्सिनेट भी फॉर्मेशन होता है यहाँ पे इस स्टेप में, मतलब इस साइकिल में। तो वहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ सी ओ टू रिलीज़ हो जाता है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का वो यहाँ रिलीज़ होता है। ठीक है, इसलिए इस पूरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्टेप को कहा जाता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से लेकर के ऑक्जेलो एसिटेट के बनने तक, ऑक्जेलो एसिटेट के बनने तक को बोला जाता है रीजनरेशन।
ऑफ ऑक्सैलोसिटेट, ठीक है, रिजनरेशन ऑफ ऑक्सैलोसिटेट के नाम से जाना जाता है। तो इस पूरे साइकिल में हम यही पढ़ेंगे कि कहाँ से क्या बनता है, कौन से एंजाइम कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, कितनी एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो आई होप आपको सब समझ में आएगा, नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू थिंक दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।